यहाँ ये लोग की तकलीफ है आपको, यहाँ जो आदमी खड़े रहते हैं दारू पीने वाले है। अरे यहाँ पे लाइन लगती है, भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अलीशान थिएटर वाली गली से थोड़ा सा आगे सीमा वाइन शॉप है और इस शॉप से खरीदी कर अक्सर लोग शॉप के बाहर ही खड़े होकर पीने लगते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने में दिक्कत होती है, खास करके महिलाएं और लड़कियों को दिक्कत होती है। और अहम बात यह है कि यहाँ पर खड़े होकर जो पी रहे हैं उससे नौजवान युवकों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इस तरह की शिकायतें सामने आने के बाद समाज सेविका संगीता धव ने सीमा वाइन शॉप पर पहुंचकर वाइन शॉप मालिक से शिकायत की और शॉप के सामने भीड़ नहीं होनी चाहिए, खरीदी करने के बाद लोगों को यहां से हटाना है। वाइन शॉप के मालिक ने भी जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि अगर कोई भी यहां खरीदी करके पीता है तो उसे हटाया जाएगा, इस तरह की जानकारी दी है। वहीं मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भी संगीता धावने ने पुलिस को भी लेटर दिया है कि जिस तरह से सीमा वाइन शॉप के सामने लोग खरीदी करने के बाद वहीं खड़े होकर पीते हैं, इससे नौजवान युवकों में युवतियों में काफ़ी गलत संदेश जा रहा है और इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। चल बाबा चल। अरे चाय देने का ना उधर, इधर देने का है तो हम लोग क्या करने खड़े। चलो भाई 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 जानते हो भाई जाओ, देखने वाले तो ऐसा है ना यार, देखो कस्टमर दियो कस्टमर ना आम्ही बोललो तो मान्य होणार। वसीम कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बाजू से लेडीज चल रही है, जेंट्स चल रहा है, वो यहाँ रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तो हम लोग आगे तक जाएंगे। आपको आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपका लाइसेंस है, आप लाइसेंस लेके चला रहे बराबर है, लेकिन लोगों को तकलीफ देने का लाइसेंस आपके पास नहीं है, वो आप कोऑपरेट करिए ना तो वी हैव टू कॉप। और संडे को जो यानी इंडिपेंडेंट आकर एक लाइसेंस नहीं है, दूसरा लाइसेंस है, आप जो है वो खाली वो करा दो, कल से दो आदमी बैठे के आपको नहीं होगा भाई, थोड़ा ये रास्ते का आने जाने का थोड़ा देख लो। बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, मैडम भाई, ये देखिए इनको देखिए, ये कैसे जाएंगे, आप इधर आओ, आप इधर आओ, एक मिनट आपको आप कितनी बार जाते हैं यहाँ से, यहाँ ये लोग की तकलीफ है आपको, यहाँ जो आदमी खड़े रहते हैं दारू पीने वाले हैं।
अरे यहाँ पे लाइन लगती है मैम, यहाँ पे लाइन लगती है, यहाँ पे लाइन लगती है। जितने भी आते हैं ना आंटी ताला आता है, सब लोग इंदौर से उत्तर के जाते हैं। अब उत्तर के जाने में देखो रिक्शा, ये लाइन कितनी है, कैसे चलेंगे उस पर ये लोग अगर घेर लेते हैं नहीं, इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अगर वो कल वो आप करा दीजिए बोलो भाई, तुम भी बोलो। और तो देखने को हम मिलने वाले हैं, तो वो नशेड़ियों की वजह से।